फिर आगे ट्राई अच्छी कर लेंगे। तेरे करीब आ रहा हूँ, तुझसे मैं दूर जा रहा हूँ। तो आज आपने मैडम किस खुशी में बनाए हैं ये इडली सांभर? कुछ कहना पसंद करेंगी आप? बहुत सारी खुशियां हैं। एक तो आपने बोला, दूसरा मम्मी को खिलाने थे, मम्मी ने मेरे हाथ के इडली सांभर खाए नहीं थे, तीसरा अभी हमारी प्यारी नंदरानी आ रही है, उनका बात चढ़े है। बहुत बढ़िया भाई, अब तुम्हारा बहुत बढ़िया। और आज की नन्हे मजा कर लिया है, मैंने नहीं गई थी, पिछली बार गई थी। आ दो तो तुम, चटनी मिर्च हो रही बस आज है ना। और क्या कहते हैं, फलकी आप बोल रहे थे और डाल दे, मैंने कहा नहीं मैंने डाल दी। आ जाती ना, अरे आते आजा, बंद तो गई है। और क्या, आजा भाई। ये ऐसे शो के ही है, ये लोग आ रहे हैं मार्केट से, और देखो ये मेरे लाए शूज, और मैं अभी इनको पहन के देती हूँ। बाकी सब आया है पूजा का सामान, तो अभी पहले मैं इनको पहन के देती हूँ। आपके साइज की लेके आई हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मेरी साइज। भाई बताओ पहले, अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं? मुझे यही कलर मैं काफी पता, पीच या फिर बस। तो वही लाया हमने, बहुत देर ठीक है, बहुत देर तक छाटे मरा था बाद में। आप देखते हैं, मुझे मुझे मिले थे इस तरीके के। अच्छा कैसे आई है ये देखो, ये आ गया हमारा पूजा का सामान। तो ये है हवन सामग्री, और ये मखाने, मखाने बड़े सारे लेके आई हो आप। ये कितने का है? आधा किलो, बस आधा किलो लग, आधा किलो लग जाते हैं ना। मैं हमेशा एक पैकेट पहले लाती हूँ, फिर बाद में लाती हूँ। हाँ हालांकि उसमें से बहुत बच जाता है। और लड्डू सही है, ये लड्डू हाँ बहुत हैं। हाँ अगर नहीं भी लाते तो मैं कैसे चल जाते, वैसे अगर नहीं भी आते तो सही है। दो पैकेट में हवन का सामान है पूरा, ठीक है। और हम अपना सामान लेके आते हैं यहाँ से मदान स्टोर से, हमें यहीं से ही अच्छा लगता है। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम सब चीज़ यहीं से लेके आते हैं। काजू, काजू मेरे को बताना, फिर मैं ऑनलाइन देखा करूँगी मम्मी जी इन सब चीज़ों को। तो नहीं नहीं, काजू उसमें बड़े अच्छे उसको दिए थे। नहीं वही वाले मम्मी है, काजू होंगे नहीं, आधे किलो के थोड़े ही ना हो। सात सौ, हाँ आधा किलो का है, 760 लिखे हुए हैं इस पे। ये वाले तो दिए थे उसे भी, इसके बड़े बड़े बीज लग रहे थे। नहीं, नहीं अच्छे हैं ये भी, 600 हाँ। और मूंगफली आ गई हैं, ये क्या है ये? सूजी, अच्छा सूजी कोटू, एक आधा कितना, एक किलो तो बोला तो अभी एक ही ले आती, फिर भाई दूज पे लेके आती तो अभी दोनों चाहिए, एक खावन के लिए। अच्छा हाँ बादाम कौन सा ये आया है हमारे पास, हमारे यहाँ कई बार, और किशमिश भी ये वाली आई है, तिल का तेल है ना। आधा लीटर वाला दो ले आई मैं, कब उसमें आ जाएंगे ना। हाँ 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 सही है। पीतांबरी के लिए भी हमें एक वो चाहिएगा है ना, उसमें भर के रखने के लिए। अच्छा ठीक है, धनिया थोड़ा लेके आइए गरम मसाले के लिए, धनिया नहीं, धनिया यूज नहीं, तो जीरा ठीक है। तो ये आ गया हमारा सारा पूजा का सामान, और जो हमें व्रत में खाना है वो,
और ये मैंने एक बॉटल साफ़ करने के लिए ब्रश मंगाया था, मुझे अपनी सारी बॉटल्स को क्लीन करना है। और ये जो सबसे ज़रूरी था, मेरे शूज़, क्योंकि अभी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वो देखोगे आप मेरे न्यू व्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ इनकी पड़ेगी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। और ये है नारियल गोले, और ये क्या है, ये कुछ और भी है। अच्छा ये अभी दिखाती हूँ खोल खोल के। ये इसमें इसमें क्या ले आई आप, ले आई क्या इसमें? मैंने भी आज कुछ मंगाया है ऑनलाइन, अच्छा बड़ा चेंज कर दूंगी अब, बहुत पुराना। ये देख इसे खोल के दे, खोलो मैं। और ये लेके आए पूजा के लिए आसन, हमारे पास ना छोटे छोटे आसन थे तो इस बार हम ये बड़ा आसन यूज़ करेंगे। यार बड़ा प्यारा लग रहा है, वाइट फर्स्ट। हाँ मस्त, किसके ऊपर तीने? हाँ अगर ऐसे भी मम्मी जैसे भी कोई ख़राब थोड़ी ना होगा, तीन जने आराम से आ जाएंगे। और जैसे और भी बैठने तो हमारे पास छोटे छोटे आसन है, महंगा हो गया है तुम्हारा ये। पर ये नहीं, कालीन से ज्यादा अच्छा ये, क्योंकि ये आसन है। हाँ ये परफेक्ट आसन, बस ये डोर मैट भी बन सकता है मम्मी जी। अरे 700 रुपए का कोई डोर मैट बनाएंगे? डोर मैट की 300-300 रुपए का डोर मैट बहुत अच्छे हैं, वो तब देखेंगे। ये तो ये 130 का लाया, आगे ड्राइवर वाले इसको रखने के लिए। गाड़ी सी जरूर आएगी, पर ये मुझे बहुत सुंदर लगा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है एकदम सॉफ्ट। और इस पे ना जो आप कालीन को कहेंगे ना लंबा चौड़ा, वो मुझे वो फिर पूजा करने, हाँ वो तो ऐसा है कि ये पूजा के लिए ही है। और उसको आप ऐसे करके फोल्ड करके फिर साइड में भी रख दो ये। और भगवान जी का सामान, ये इसमें खोल लो। अच्छा ऊपर के लिए के ये देखो गाइस, ये है दूध पीती हुई, मतलब सॉरी बछड़ा, गाय और उसका बच्चा जो दूध पी रहा, बछड़ा या बछिया जो भी है। लेकिन सुंदर लग रहा है, भारी है लेकिन छोटा है पर भारी बहुत है, भारी बहुत है। 450 का बताया था, 350 का हमने, हम तो आ रहे थे, हमने कहा बड़ी चुन्नी यहीं से लूँगी, वहाँ बड़ी महंगी महंगी। ये क्या क्या कहते हैं, दुर्गे माँ को ही पहना देना है। नहीं जो हमारे तीन भगवान जी और हैं उनको भी तो पहनाने के लिए। हाँ ये माँ सरस्वती के लिए लाएंगे, ठीक है। और ये शंकर शिव परिवार के लिए लाएंगे। हाँ और चाहे तो राम परिवार, राम परिवार को पहना लेंगे। हाँ और भी लाएंगे दो माँ, और ये छोटे 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 कान के होंगे। हाँ आएंगे कान के, बड़े प्यारे लग रहे हैं जी, 15 रुपये के, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और टाइम है अभी शाम का, शाम के बजे हैं 4:30 और हम लोग जा रहे हैं अभी मूवी देखने ब्रह्मास्त्र। तो बस 5:30 बजे का हमारा शो है, तो वहीं जाएंगे और उसके बाद भी हमें कहीं जाना है, तो बने रहना वीडियो में। और आपने अभी मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा कि मम्मी आ गई हैं, और मम्मी क्यों आई हैं उसका रीज़न है क्योंकि अभी ना नवरात्रे आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर अखंड जोत जलती है सारे नवरात्रों में, और पाठ भी होते हैं डेली, तो पूजा भी करनी थी और घर का सारा काम, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि सारा काम मैं एक साथ कैसे मैनेज करूँगी। तो इसी वजह से आ गई हैं मम्मी, और नवरात्रे वो यहीं रखेंगी सारे, और पूजा पाठ जो भी जिस तरह से हम लोग करते हैं अपने विधि विधान से वैसे करेंगे, क्योंकि इस न्यू वाले घर में हमारे पहले नवरात्रे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अपने इन नवरात्रों को अच्छे से सेलिब्रेट करें, इसीलिए मम्मी आ गई। क्योंकि ना अखंड जोत मैंने कभी जलाई नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और दूसरी चीज़ कि ऊपर नीचे ना मंदिर हमारा ऊपर वाले पोर्शन में है, तो फिर यहाँ से वहाँ ऊपर बार बार देखना जाना तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती, और मेरे भी पूरे फास्ट होंगे मम्मी के भी, तो अब हम दोनों मिलकर कर लेंगे सारा काम। तो इसी वजह से मम्मी को अचानक से आना पड़ा, अदरवाइज़ मम्मी दिवाली पर ही आती। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि
मैंने अपने नवरात्रों की सारी क्लीनिंग कर ली है। अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ अभी आपको, सारे सोफे के कवर वगैरह सब चेंज कर दिए। अभी लाइट करती हूँ ऑन और दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखो, ये हमारा ड्राइंग रूम, मैंने सोफ़े के कवर चेंज कर दिया। और जैसे ही ना आप बेडशीट या सोफ़े का कवर चेंज करते हो, एकदम से ना नया सा हो जाता है अपना, आपका कोई भी रूम या ड्राइंग रूम कुछ भी हो, वो एकदम से न्यू हो जाता है। और देखो सब चीज़ मैंने धो दी हैं तो एकदम से क्लीन, मतलब न्यू हो गई हैं। और ये देखो मेरा जो ये पार्टीशन है, इसको, इसके भी सारे शोपीस मैंने धो दिए थे, सब क्लीन हो गए अच्छे से। ये देखिए, तो कुछ इस तरह का हमारा ड्राइंग रूम हो गया है। अभी पर्दे नहीं लगे हैं, दिवाली पर लगेंगे, अभी जाएंगे देखने। और 5 बजने वाले हैं तो बस अभी हम निकल रहे हैं। और अभी आपको मैं दिखा दूँगी, मैंने ना ये फ्लिपकार्ट से इसको भी बाय किया है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस वाली वॉल पे ना इसको कुछ इस तरह से लगा दिया। थोड़ा छोटा रह गया तो मुझे भी साइड में कुछ इसको भरने के लिए ना कुछ मंगवाना पड़ेगा, थोड़ी सी ना वॉल मुझे अधूरी लग रही है। तो देखते हैं, अभी सेल भी स्टार्ट हुई है तो मैं क्या मंगाती हूँ क्या नहीं, वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम कुछ नया। तो बस ये सब साफ हो चुका है, ये देखो LED पैनल भी अच्छे से सब हो गया है क्लीन। तो हम लोग निकल गए हैं मूवी देखने के लिए। और देखो हम पैदल जा रहे हैं, घर के इतने पास में है PVR, बिल्कुल मतलब आने ही वाला है, अभी घर से निकले और PVR आने वाला है, तो इतने पास में है। और टाइम 5 बज गए हैं, 5:30 बजे का शो है, तो बस पहुँच जाएंगे पैदल। और हम पहुँच गए अपने PVR, और बस हमें 5 मिनट हुए हैं घर से निकले, वो भी पैदल। और हम पहुँच चुके हैं, अरे हम लोग तो आधा घंटे पहले आ गए, बहुत कम टाइम लगा। और देखो ये मेन रोड, सब ऐसे वीडियो बना रहे हैं, इतनी बहुत लोग नहीं बना रहे वीडियो, सब लोग ही कर रहे हैं। चलो ऊपर हम, फिर होली खेलना है। कॉर्नर में भी कौन घुस के देखता है, और हम कॉर्नर वाले रहेंगे क्या? तुम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जो कॉर्नर में देखोगे, तो यार ऐसे अच्छा तो मैं वो ले लेता तो सही रहता, सारी खाली पड़ी थी। अरे मुझे ये पता है ऐसे ही होगा, हमारे यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मुझे सीट मिली है ना, वो ये मिली है सामने इसके, ऐसा इनको लगा था कि कॉर्नर के लगी, कॉर्नर नहीं है साइड में जाने की जगह, आगे भी पता नहीं क्या लग रहा है पार्टीशन सा, तो इस चक्कर में मेरी लड़ाई है कि बहुत ही बेकार सीट है, ये 3 सीट खाली हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं आते हैं तो हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ मुझे तो दिख रहा है, मम्मी को सही दिखेगा, मुझे भी थोड़ा दिखेगा, मुझे भी आपको ही दिक्कत होगी। तो और वैसे आज हाउसफुल है, आगे तक सीटें भरी हुई हैं, तो देखते हैं कि भगवान करे ना कोई आए ना, तो हम आराम से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। दिखाती हूँ किस वजह से लड़ाई हो रही है, ये देखो ये है हमारे आगे ऐसे, तो इसकी स्क्रीन ना हमें कुछ इस तरह से दिखेगी आधी, और ये ऐसे है वो भी आधी है। और इनको लगा था ये कॉर्नर की सीट है, इसी वजह से लड़ाई हो रही है कि यार कॉर्नर की क्यों लेनी है अभी सीट हमें।
टाइम हुआ है 8:30 और मूवी हमने देख ली है और जैसे ही हम बाहर आए ना तो वैसे ही झमाझम पड़ रही है यहाँ बारिश। और यार बारिश का समझ में नहीं आ रहा कि बरसात का मौसम चल रहा है या क्या चल रहा है, मतलब पूरी बरसात ऐसी सूखी निकल गई और अब एकदम से बारिश हुई है, अच्छी खासी वाली बारिश हुई है। और हम लोग भी आए हैं पैदल पैदल, तो मतलब देखो बूंदे भी आ रही है। और यार छत पे ना मेरे सारे कपड़े धुले थे और मेरे सारे कपड़े छत पे पड़े हुए हैं और मैंने सोचा था आके उतार लूँगी थोड़े से और हवा में सूख जाएंगे, लेकिन मेरे सारे कपड़े हो गए होंगे फिर से गीले और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। अब बस भाग भाग कर जा रहे हैं अपने घर। और अभी आज गार्गी दीदी का बर्थडे भी है तो अभी हम वहाँ जाएंगे, आंटी के यहाँ, आंटी ने बुला रखा है आज खाने के लिए, तो बस यहाँ से जाएंगे वहीं क्योंकि फ़ोन आ गया उनका। तो चलिए चलते हैं अभी, अभी तो हम सीधे उन्हीं के घर जाएंगे। क्या चप्पल भी सारे गंदे हो गए और मेरा बीच बीच में कैसे गड्ढे पड्डे खुले हुए, अभी मैं गड्ढे में गिर जाती। सौरभ जोशी जैसी है आंटी, ये पता है सौरभ जोशी वाली है ये। हाँ चलो पुआ आ जाओ, यहाँ जाओ कैंडी दे दो। नहीं नहीं उसी डब्बे में वो रेड वाला दे दो, उधर देखो माचिस फोटो ले आना साथ। इसको ऐसे लेंगे ना भैया फिर दिखेगा नहीं इधर क्या आधा खाया हुआ। अभी वहाँ बैठो, इधर आओ वहाँ पे बैठ जाओ, अभी आप फोटो खींच लीजिए। हेलो कर दो बच्चों, हेलो हेलो। क्या है आइसक्रीम केक है, बहुत है बहुत। बुआ जी कह रही है बोल 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 God bless you, God bless you dear Gargi. Guys next day हो गया है और कल रात ना मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई क्योंकि पार्टी में से आया तो काफ़ी लेट हो गया था, बातें बातें करने में बहुत देर हो गई हमें, उसके बाद आके फिर हम सो गए तो वीडियो का एंड नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। और कल की पार्टी भी बहुत बढ़िया रही और मूवी भी ठीक ठाक ही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं। बाकी का कल का पूरा दिन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमारा पूरा दिन निकला। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ में।